देख सकते हो, यहाँ मैं लेक के पास में आ गया हूँ और यहाँ का व्यू देख सकते हो आप लोग। ये व्यू वाह यार, नाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? ये मेरा ब्लॉग इस चैनल पे देख रहे हो क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रखा है मेरे ब्लॉग वाले चैनल पे, तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ का सारा व्यू जहाँ पे मैं हूँ अभी। वैसे तो आप लोग पता नहीं जान पाओगे कि नहीं कहाँ आया हूँ। फाइनली भाई मैं नैनीताल आ गया हूँ और यहाँ 2-3 दिन रहेंगे, घूमेंगे अच्छे से, इंजॉय करेंगे पूरा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से मेरे वीडियोस देखो, ब्लॉग देखो और इंजॉय करो। फिर तो मैं अभी तो नहा धो के, मतलब भाई तैयार होके निकल दिया हूँ, जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। खाना खाता हूँ फिर निकलूँगा टहलने के लिए और भाई बताऊँगा कि मेरे साथ हो क्या रखा है। भाई जब हम लोग चल रहे हैं, इधर अपनी बाइक खड़ी है और ये रहा चाबी, तो चलते हैं अब सीधे कैची धाम मिलेंगे। भाई ये वादियों में बहुत ही मज़ा आ रहा है यार, पहली बार ऐसा फील कर रहा हूँ जो भी यहाँ पे कर रहा हूँ। पहला एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ का उत्तराखंड में। क्या नज़ारा भाई, इधर देख सकते हो। बहुत मज़ा आ रहा है यार। तो फाइनली गाइज आप लोग देख सकते हो ये पूरा मंदिर है और दर्शन कर चुके हैं हम लोग। ये व्हाइट वाला मंदिर है नीम करोली बाबा का और ये यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर, ये मेन गेट। पूरे भाई एकदम पहाड़ों के बीच में कैची धाम। भाई फाइनली दर्शन कर लिया नीम करोली बाबा का, तो एकदम यार बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है सच में। इधर देख सकते हो आप लोग, इधर है पीछे मंदिर। तो अब हम लोग चल रहे हैं अपने रूम पे चलेंगे, जहाँ पे मैं होटल में रूम ले रखा हूँ वहाँ पे चलूँगा। अभी तो बाइक हमने आगे पार्क कर रखा है तो बाइक को लेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। भाई 20 से 22 किलोमीटर ट्रेवल करके जाना होगा, देख सकते हो आप लोग एकदम भाई पहाड़ों के बीच में है ये मंदिर। और इस टाइम मैं आया हूँ तो बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं हो रही है, रात के टाइम ठंडी होती है। वैसे तो जैकेट वैकेट ले रखा है मैंने, लेकिन दिन के टाइम तो ठंडी नहीं हो रही है। बहुत ही अच्छा मौसम है, ना ठंडी ना गर्मी, ऐसे ही करके है। बाकी यार एकदम शांति है यहाँ पे। इधर है देवांश। हाय गाइस, तो हम ही दो आए हैं साथ में। तो गाइस यही है पूरा कैची धाम का एरिया। भाई यहाँ के पहाड़ जो है वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अभी हमको वहीं से करके जाना होगा, ऐसे ऐसे सीधे ऊपर से राउंड राउंड करके। ये पार्किंग एरिया है। अभी तो शाम का टाइम हो रखा है इस वजह से भाई यहाँ भीड़ नहीं है, नहीं तो काफ़ी भीड़ होती है, देख सकते हो। तो भाई अंदर फ़ोन को ऑन करना अलाउ नहीं था क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो इसलिए परमिशन आपका भाई जहाँ तक कवर कर पाया वहाँ तक किया। बाकी भाई एकदम थक गए यार, क्योंकि यहाँ चढ़ाई भी चढ़नी पड़ती है। तो भाई सब कुछ तो आप टहल लेना, लेकिन एक एरिया इधर भी है, देख सकते हो यहाँ झरना है छोटा सा। यहाँ आप लोग आना, कुछ टाइम स्पेंड करना तो बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये जो पानी की आवाज़ है बहुत ही अच्छी लग रही है।
मैं कल बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाया था आप लोग को। फिलहाल सो गया था और सुबह का टाइम है, उठ गया हूँ, जा रहा हूँ चाय पीने। तो चलते हैं गाइस, चाय पीते हैं और आपको लेक दिखाते हैं। तो आप लोग रेडी रहना और लेक देखने के लिए, यहाँ का, नैनीताल का। ठीक है, चलते हैं गाइस। नीचे से ऊपर आ रहे हैं यार, यहाँ बहुत चढ़ाई करनी पड़ती है। आप लोग देख सकते हो पीछे सीढ़ी वगैरह बनी हुई है, और ये आगे देख सकते हो पूरा कितना नीचे जाना पड़ेगा हम लोगों को। अभी जा रहे हैं चाय पियेंगे। इधर है झरना, आवाज आ रही है भाई, सुनो आप लोग। तो कहाँ चलेंगे भाई हम लोग? वहीं चलते हैं चाय वाले दुकान पे। खुद के बॉडी को कंट्रोल करना पड़ता है यहाँ पे गाइस। कल तो हम लोग घूमे थे, बहुत ही मजा आया, और आज देखते हैं कि आज क्या होता है ऐसा एडवेंचर। वैसे तो भाई यहाँ ऑफ रोडिंग करने लायक है, ट्रैक्टर लाके। तो गाइस यहाँ से देख सकते हो नज़ारा क्या बढ़िया भाई, नज़ारा दिख रहा है ये माउंटेन्स का। फिर तो यहाँ इस टाइम तो अभी ठंडक नहीं हो रही है ज़्यादा, लेकिन अक्टूबर नवंबर में एकदम बर्फबारी होती है अच्छे तरीके से एकदम भाई। और ये देखो भाई, यहाँ पे यार जो दीवारें हैं, यहाँ पे दीवार पे भी फूल जमा हुआ है, छोटे छोटे फूल, कितना अच्छा लग रहा है। भाई घूमने लायक तो बहुत ही अच्छी जगह है, उधर है लेक, आप लोग देख सकते हो। अभी मैं वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ आप लोगों को। तब तक के लिए गाइस चलते रहते हैं ऐसे ही, और पहुँच जाते हैं वहाँ लेक के पास जो नैनीताल का लेक है। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, तब तक ऐसे चलते रहते हैं धीरे धीरे। इधर देख सकते हो, तो भाई यहाँ देख सकते हो ये पहाड़, आप लोग ये माउंटेन कितना ऊंचा है, और इधर भी देख सकते हो। यहाँ पे तो भाई ऐसे ही रोड रहते हैं, अपने उधर नॉर्मल तो एकदम प्लेन प्लेन रहता पूरा एरिया, लेकिन यहाँ कहीं चढ़ाई करनी रहेगी, कहीं नीचे जाना रहेगा। तो चलते हैं यहीं सीढ़ी से शॉर्टकट मारते हैं, तो बाइक जाती इधर से, शॉर्टकट मार के पहुँचते हैं लेक के पास। लेक देख सकते हो, यहाँ मैं लेक के पास में आ गया हूँ, और यहाँ का व्यू देख सकते हो आप लोग। देख सकते हो माउंटेन जो दिख रहा है, कितना बढ़िया लग रहा भाई ये व्यू, वाह यार नाइस। रात के टाइम ठंडक हो रही है इस टाइम यहाँ पे, और मतलब दिन के टाइम ठंडक नहीं होती है, धूप होता है, बहुत हल्की गर्मी होती है, बहुत हल्की सी। ये देख सकते हो भाई यहाँ का पूरा एरिया, पहाड़ वगैरह यहाँ पे है, तो कैसा लगता है भाई घूमने पे, कैसा लगेगा? तो आप लोग भी ज़रूर आना तो घूमना यहाँ पे नैनीताल में। बाकी अभी हम लोग फोटो शूट वगैरह भी करेंगे। ये देख रहे हो भाई, यहाँ पे बत्तख जा रहे हैं एक लाइन से, कितने सारे हैं यार, देखो जरा एक बार, सारे के सारे एक लाइन से जा रहे हैं। एकदम भाई यहाँ शांति है पूरा। गाइस ये जो मछलियाँ आप लोग देख सकते हो यहाँ ऊपर आ रही हैं, ढेर सारी, कितनी ढेर सारी हैं भाई, देख सकते हो आप लोग कितनी ढेर सारी यहाँ मछलियाँ हैं। ये लोग साइड साइड में ऐसे ही ऊपर आ जाती हैं। फाइनली गाइज ब्रेड और चाय आ गया है, और अब खाते हैं हम लोग, चाय पीते हैं, उसके बाद यहाँ से चलेंगे भाई। इसको देख रहे हो, ये पता नहीं क्या कर रहा, मैच वैच लगा रहा है, जिता रहा है। ये अनुराग द्विवेदी भाई का टेलीग्राम पेज है, इसको खोल रखा है। तो पहले चाय कर लेते हैं, पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। तो गाइज इस ब्लॉग को मैं एंड करने जा रहा हूँ, क्योंकि नए ब्लॉग में दिखाऊंगा जो कुछ भी रहेगा।
वो आपको नए ब्लॉग में दिखेगा, जो कुछ भी नया रहेगा, जो कुछ भी नया मैं घूमूंगा। बाकी ये लेक्स वगैरह आप लोग देख ही रहे हो यहाँ का। तो गाइस सी यू इन न्यू ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और भाई जितना हो सके उतना शेयर करना, शेयर करना तो ना भूलना। मिलते हैं नए ब्लॉग में।